स्वागत है आपका अपने चैनल मार्कोस ट्यूटर्स में। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 2 में दिया है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स एंड दैट ऑफ बी इज वाई। ठीक है, दो वेरिएबल्स दिए एक्स एंड वाई। वेरिएबल देख के डरना नहीं है, नीचे सबकी वैल्यू दी हुई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे नंबर लाइन नहीं दिया है, इसलिए हो सकता है आपको वेरिफिकेशन जब करना था ना स्टेप्स काउंट करके, हम लोग स्टेप काउंट कर करके भी आंसर निकालते थे, वो आप यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। कोई टेंशन नहीं है, हम लोग को मेथड से निकालने तो आता ही है। आपको ए का कोऑर्डिनेट एक्स पता है एंड बी का कोऑर्डिनेट वाई पता है एंड आपको डिस्टेंस ए बी निकालना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू 1 दिया है, वाई इक्वल टू 7 दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे ये? तो यहाँ पे पहले सॉल्व करने के पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ए का कोऑर्डिनेट एक्स है एंड बी का कोऑर्डिनेट वाई है, दिया हुआ है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज वाई। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 7 दिया है, तो मैं लिखूंगा योर एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 7। देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूँ 7 इज ग्रेटर देन 1? 7 ग्रेटर देन 1 है ना, मतलब y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, उसने क्या पूछा था, फाइंड डिस्टेंस ए बी। तो डिस्टेंस ए बी क्या आ जाएगा, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट। बड़ा कौन है यहाँ पे, y, छोटा है x, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू y माइनस x। y का वैल्यू क्या है 7 एंड x का वैल्यू है 1, तो आएगा 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6। आप आंसर 6 यूनिट्स लिख सकते हैं। सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन था वैसा ही है, कोऑर्डिनेट्स आपको फ्री में दिया हुआ है, नंबर लाइन से नहीं निकालना। ठीक है, तो हम लोग को x और y का वैल्यू दिया है, जो बड़ा है उसके हिसाब से हम लोग माइनस करेंगे। अगर x ग्रेटर देन y होता तो हम लोग क्या करते, बड़ा माइनस छोटा है ना, तो x माइनस y करते। यहाँ पे y बड़ा है इसलिए y माइनस x किया, उतना ही डिफरेंस आने वाला है हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है x इक्वल टू 6, y इक्वल टू माइनस 2। हमने फिर से लिख दिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर x एंड y रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 6 एंड y का वैल्यू है माइनस 2। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 और माइनस 2 में 6 ऑब्वियसली बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 6 ग्रेटर देन माइनस 2। देयरफॉर 6 कौन है, 6 है x एंड माइनस 2 है y। अगर आपको चाहिए तो आप इसके नीचे की लाइन में लिख सकते हैं, ये इधर ऐसे लिख दिया, यहाँ पे 6 कौन है x, तो 6 की जगह पे यहाँ पे लिख दिया x ग्रेटर देन माइनस 2 कौन है y, तो उसकी जगह लिख दिया y। मतलब x इज ग्रेटर देन y, तो a और b के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर नंबर मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था 6 माइनस, ऐसे ही आएगा y क्या है, y माइनस 2। बच्चों ये माइनस 2 y का वैल्यू है, सिर्फ y की जगह माइनस 2 आएगा, ये माइनस तो रह गए, x के जगह पे 6 आएगा, y के जगह पे माइनस 2 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 आ जाएगा 8 यूनिट्स। तो सेकेंड वाले केस में डिस्टेंस ए बी इज 8 यूनिट्स। बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो जाए उसके लिए बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं जो कर रहा हूँ उससे कंपेयर करके देखो आपको सेम आंसर आया है कि नहीं। कर लिया थर्ड क्वेश्चन खुद से सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन में x इक्वल टू माइनस 3 एंड y इक्वल टू 7 दिया। माइनस 3 एंड 7 में 7 बड़ा है, 7 क्या है, 7 है y, तो मैं लिख सकता हूँ y ग्रेटर देन x। डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, डिस्टेंस ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल के, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई। बड़ा कौन है, वाई, तो मैं लिखूंगा बड़ा माइनस छोटा, मतलब वाई माइनस एक्स। वाई का वैल्यू है 7 एंड एक्स के जगह पे आएगा माइनस 3, तो ये सिर्फ ये देखो ये माइनस ऐसे का ऐसा कॉपी होगा एंड ये एक्स के जगह पे आएगा माइनस 3 बिकॉज एक्स का वैल्यू माइनस 3। अब ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, दोस्त बन के प्लस बन जाएगा, 7 प्लस 3 का आंसर आएगा 10। तो डिस्टेंस ए बी इन दिस केस इज 10 यूनिट्स। आया समझ में, चेक करो जरा कुछ मिस्टेक किया है तो आंसर 10 ही आना चाहिए। याद रखो बच्चों, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो।
फोर्थ में एक्स इक्वल टू माइनस फोर दिया है, वाई इक्वल टू माइनस फाइव दिया है, दोनों नेगेटिव है। बच्चों को एक नेगेटिव नंबर से डर लगता है, दो देख के तो भाग जाएंगे, लेकिन भागना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। एक्स का वैल्यू है माइनस फोर एंड वाई का वैल्यू है माइनस फाइव। ये जो नेक्स्ट स्टेप है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनस फोर और माइनस फाइव में बड़ा कौन है? दोनों नंबर्स नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर्स में छोटा नेगेटिव हमेशा बड़े नेगेटिव से बड़ा होता है। तो माइनस फोर इज ग्रेटर देन माइनस फाइव। नंबर लाइन पे देखेंगे तो इस तरफ आएगा ना, माइनस फोर ऐसे, माइनस फाइव, माइनस सिक्स ऐसे आएगा। इसमें लेफ्ट में माइनस फाइव है और राइट में माइनस फोर है। राइट वाला नंबर हमेशा लेफ्ट वाले से बड़ा होता है नंबर लाइन पे। तो माइनस फोर माइनस फाइव से बड़ा है। माइनस फोर कौन था? एक्स। देखो यहाँ पे एक्स, तो मैं माइनस फोर की जगह पे लिख सकता हूँ एक्स, एंड माइनस फाइव था वाई, तो माइनस फाइव की जगह पे लिख दिया वाई। ये साइन से एक्स ग्रेटर देन वाई आ गया। एक्स एंड वाई है क्या बच्चों? दे आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, दिख रहा है यहाँ पे। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेट से, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई में एक्स बड़ा है, तो बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट। एक्स का वैल्यू क्या था? माइनस फोर, तो एक्स की जगह माइनस फोर लिख दिया। ये माइनस माइनस ऐसे ही कॉपी कर लिया। वाई का वैल्यू क्या है? माइनस फाइव, तो वाई की जगह पे लिख दिया माइनस फाइव। अभी माइनस फोर ऐसे ही आएगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा? ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, और ये फाइव ऐसे कैसा आ जाएगा? माइनस फोर प्लस फाइव क्या होगा? वन। ठीक है, माइनस फोर प्लस फाइव मतलब फाइव माइनस फोर ही हो गया ना। ये फाइव को पहले लिख दो तो फाइव माइनस फोर हो गया, फाइव माइनस फोर होता है वन। तो आपको डिस्टेंस ए बी ये वाले केस में आ गया वन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये, बहुत कम दिमाग लगाना है इसमें। लास्ट में हम आप हमेशा चेक कर सकते हो कि डिस्टेंस पॉजिटिव आया कि नहीं आया। फाइनल आंसर पॉजिटिव नहीं आया, रॉन्ग आया, नेगेटिव आया, तो आपको वापस जाके चेक करना है सारे स्टेप्स कि कहीं पे मिस्टेक किया। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ होमवर्क दे दूं क्या? फिफ्थ और सिक्स्थ का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ क्या आएगा। फिफ्थ का आंसर ओरली भी आप कर सकते हैं, लेकिन मत करना अभी। 10-15 सम प्रैक्टिस करने के बाद आप ओरली कर सकते हैं। इसका आएगा आंसर 3 और इसका आंसर आ जाएगा 12, सिक्स का आंसर। ठीक है, फिफ्थ का आंसर है 3 एंड सिक्स का आंसर है 12। सॉल्व करके कंफर्म करो आपको आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बिटवीननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। बिटवीननेस नाम में ही समझ में आता है क्या होगा। बिटवीन बीच में कौन है वो फाइंड करना है इसमें। तो अगर मैंने आपको तीन पॉइंट दिए, ये नंबर लाइन मत देखना अभी, पी क्यू आर तीन अलग अलग डिस्टेंट मतलब अलग अलग पॉइंट दिए, तीन पॉसिबिलिटीज होती है। क्या तीन पॉसिबिलिटीज होगी? कि क्यू पी और आर के बीच में है, या फिर आर बोलेगा अरे मैं बीच में आऊंगा, तो आर पी और क्यू के बीच में है, लेकिन पी भी तो बोल सकता है ना कि मैं बीच में आऊंगा, तो पी आर और क्यू के बीच में। तो अगर तीन पॉइंट दिए पी क्यू आर और वो तीनों कोलिनियर है, तो कोलिनियर है इसका मतलब ये नहीं कि एक ही पोजीशन है जिसमें वो कोलिनियर हो सकते हैं। वो ऐसे कोलिनियर हो सकते हैं जिसमें क्यू बीच में है, वो ऐसे कोलिनियर हो सकते हैं जिसमें आर बीच में है, वो ऐसे भी कोलिनियर हो सकते हैं जिसमें पी आर और क्यू के बीच में। तीनों जगह देखो पॉइंट सेम है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, लेकिन बीच में कौन है? अलग अलग तीनों का वाई आता है इसमें। इसमें क्यू बीच में है, इसमें आर बीच में है, इसमें पी बीच में। ठीक है, अगर सिचुएशन ऐसी रही तो P एंड Q के बीच का डिस्टेंस प्लस Q एंड R के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो P और R के बीच का डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि Q बीच में है ना। मतलब आपको कैसे मिलेगा? डिस्टेंस ऑफ P Q प्लस डिस्टेंस ऑफ Q R, PQ प्लस QR मिलेगा डिस्टेंस PR। ये टोटल डिस्टेंस हो गया ना PR, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिस्टेंस PR। ये वाले केस में क्या होगा? ये वाले केस में डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू विल बी इक्वल टू डिस्टेंस पूरा पी क्यू। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू। एंड थर्ड वाला केस, इसमें पी बीच में है ना, तो आर से लेके पी एंड पी से लेके क्यू दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा आर क्यू ये पूरा। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा पी प्लस डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड किया तो मिला आर क्यू ये पूरा डिस्टेंस।
डिस्टेंस आर क्यू, ठीक है। तो कोलिनियरिटी की ये तीन कंडीशन है, जो भी ट्रू है उसके हिसाब से हमको समझ में आ जाएगा कि बीच में कौन है। ये देखो, जो दो डिस्टेंस ऐड हो रहे हैं ना, उसमें एक पॉइंट कॉमन होगा। देखो, पी क्यू और क्यू आर ऐड होके अगर पी आर दे रहे हैं तो क्यू कॉमन है ना, मतलब क्यू बीच में। यहाँ पे देखो, पी आर और आर क्यू ऐड करके पी क्यू दे रहे हैं ना, तो ये दोनों जो प्लस हो रहे हैं उसमें कॉमन कौन है, आर कॉमन है, तो आर बीच में आएगा। वैसे ही डिस्टेंस आर पी प्लस पी क्यू अगर आर क्यू आर है तो इसमें कॉमन देखो दोनों में पी है, तो पी बीच में आएगा। तो हम लोग को ये डिस्टेंस जब ऐड करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बीच में कौन है, ठीक है। क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये देख के थोड़ा डर लगेगा, क्वेश्चन देख के समझ में आएगा अरे ये तो पपलू क्वेश्चन है। क्वेश्चन थ्री में दिया है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, बीच में कौन है वो फाइंड करना। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट्स हो, ये वाला एग्जाम्पल जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि अगर तीन पॉइंट दिए हैं तो बीच में कौन है। क्या क्या दिया है डिस्टेंस, डिस्टेंस पी आर दिया है 7, डिस्टेंस पी क्यू दिया है 10 एंड डिस्टेंस क्यू आर दिया है 3। बच्चों दिमाग लगाओ, तीनों नंबर देखो अच्छे से, 7 और 3 को आप ऐड करेंगे तो आपको 10 मिलता है ना, एकदम क्लियरली दिख रहा है 7 और 3 को ऐड करके 10 मिलता है, ठीक है। अच्छा, आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए, आप क्वेश्चन पेपर से जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर पेपर में लिखेंगे तो आपको ये डेटा जो दिया है ये लिखना पड़ेगा। तो ये कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि डिस्टेंस ये जो गिवन है, डिस्टेंस पी आर 7 है, डिस्टेंस पी क्यू 10 है एंड डिस्टेंस क्यू आर 3। तो अभी सबसे पहले हमको क्या समझ में आया, ये दोनों को ऐड करके 10 आता है, तो मैं लिखूंगा योर डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, क्या वैल्यू है पी आर का 7 एंड क्यू आर का वैल्यू है 3, 7 प्लस 3 क्या आता है 10, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दो एंड डिस्टेंस पी क्यू कितना है 10। देखो ये दोनों यूज कर लिया, अब बचा ये पी क्यू, वो तो दिया हुआ है 10 एंड डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10, इसको नंबर दे दो 2। 1 और 2 देखो दोनों में 10 आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है क्योंकि दोनों का आंसर 10 है, तो मैं 1 एंड 2 से बोल सकता हूँ डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। देखो ये इज इक्वल टू ये, तो ये लिख दिया यहाँ पे। अब देखो दो डिस्टेंसेज ऐड करके तीसरा डिस्टेंस आ रहा है, तो कोलिजन होने का चांस है। देखो ये दोनों में कॉमन है ना, आर पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो मतलब ये पी क्यू आर तीनों एक लाइन में है और ये दोनों के बीच में आर कॉमन है ना, और आर इनके बीच का पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये कोलिनियर है प्लस आर जो है देखो कॉमन है दोनों में आर, तो आर इनके बीच में है, तो कैसे लिख देंगे वो, ऐसे आएगा पॉइंट पी आर क्यू आर कोलिनियर। अच्छे से देखो मैंने आर बीच में लिखा है बच्चों, यहाँ पे भी तीन पॉइंट दिए थे पी क्यू आर, उसमें मैंने लिखा पी आर क्यू आर कोलिनियर एंड पॉइंट आर इज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। इसके नीचे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आई डॉट ई मतलब दैट इज आर बीच में आएगा, इसके लेफ्ट में या तो पी आ सकता है एंड राइट में क्यू आ सकता है, या फिर बीच में आर आएगा एंड राइट में यहाँ पे पी होगा और लेफ्ट में क्यू होगा, दोनों हो सकता है लेकिन आर तो हमेशा बीच में ही होगा। ये ऐसे लिखते हैं पॉइंट पी आर क्यू, अगर आर बीच में है तो ऐसे लिख देते हैं पी डैश आर डैश क्यू, आर बीच में है क्यू लेफ्ट में पी राइट में, तो क्यू डैश आर डैश पी, मतलब ये तीनों एक लाइन में है और आर बीच में है, ये तीनों एक लाइन में है आर बीच में है, ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख लो आगे जाके काम आएगा। आया समझ में, इसमें और क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी थर्ड का थर्ड वाला करते हैं, सेकेंड वाला मैं आपको इसके बाद कराऊंगा, पहले थर्ड वाला देखिए। डिस्टेंस ऑफ ए बी दिया है 16, डिस्टेंस ऑफ सी ए दिया है 9 एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी दिया है 7। देखो कुछ रिलेशन है क्या, 16 प्लस 9 25 आता है, 7 नहीं आता, 9 प्लस 7 क्या आता है, 9 प्लस 7 आता है 16, मतलब डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। तो सेम पहले जैसे किया वैसे करेंगे, पहले
डेटा, ये डिस्टेंसेस दिए वो लिख दो। तो यहाँ पे डिस्टेंसेस लिख दिए, डिस्टेंस ए बी 16, सी ए 9 एंड बी सी 7। मैंने बताया आपको ये दोनों को ऐड करके 9 प्लस 7 आ रहा है 16, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे योर डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये दोनों सी ए प्लस बी सी कितना आ रहा है 9 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 16। इसको नंबर वन दे दो। एंड दूसरा बचा हुआ डिस्टेंस क्या है, ये दोनों यूज कर लिया, ये है ना डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 16, ये दिया हुआ है, इसको पॉइंट टू ले। फ्रॉम वन एंड टू आप क्या बोल सकते हो, देखो ये भी 16 ये भी 16, मतलब ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम वन एंड टू डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस सी ए प्लस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी, क्यों, बिकॉज दोनों का वैल्यू 16 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ये तीन पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर, बीच में कौन सा पॉइंट है कैसे फाइंड करेंगे, ये वाले जो प्लस करके आए उसमें कॉमन कौन है, देखो ए कॉमन है क्या, नहीं इसमें भी सी है इसमें भी सी है, मतलब ये तीनों कोलिनियर है और जो पॉइंट सी है ये ए एंड बी के बीच में है, तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, पॉइंट्स ए सी एंड बी आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक लाइन में है, देखो मैंने बीच में सी लिखा है, ए बी सी नहीं लिखा है, ए सी बी लिखा है, क्यों, बिकॉज सी ए प्लस बी सी में देखो सी कॉमन है, तो मैं बोल सकता हूँ पॉइंट सी इज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो सी तो हमेशा बीच में ही आएगा, ए यहाँ पे हो सकता है बी यहाँ पे हो सकता है या फिर बी यहाँ पे हो सकता है ए यहाँ पे हो सकता है, ए और बी चेंज हो सकते हैं लेकिन सी तो बीच में ही आएगा। आया समझ में क्या किया, दो क्वेश्चंस कर लिए हम लोग ने सेम टाइप के, एक और करके देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्टेंस एक्स वाई 15 दिया है, डिस्टेंस वाई जेड 7 दिया है, डिस्टेंस एक्स जेड 8 दिया है, दो क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोगों ने, इसके पहले सेम मेथड से आपको ये वाला सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है और कौन सा पॉइंट बीच में है, वीडियो पॉज करो खुद से सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद मैंने जो किया है वो मेथड वेरीफाई करना, सिर्फ ब्लैंकली वीडियो मत देखो सॉल्व करो, नहीं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आने वाला है, बहुत ही सिंपल है, चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके सॉल्व कर दो। ऐसे आ जाएगा सोल्यूशन, आया आपको कि z इज बिटवीन पॉइंट्स x एंड y, देखो क्वेश्चन में समझ में आता है ये 7 प्लस 8 आपको 15 मिल रहा है, तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस y z प्लस डिस्टेंस x z इज इक्वल टू 7 प्लस 8 इक्वल टू 15, एंड डिस्टेंस x y तो 15 दिया हुआ था, इसको 1 किया इसको 2 किया, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों 15 है, तो मैं बोल सकता हूँ ये इज इक्वल टू ये लिख दिया, अब दो को ऐड करके तीसरा आ रहा है, मतलब कोलिनियर तो पक्का है, बीच में कौन है कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे और यहाँ पे जेड कॉमन है, मतलब जेड इज बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, ओके तो जेड बिटवीन आएगा, दूसरे ऑप्शन क्या है दो, या तो एक्स इधर आएगा एंड वाई इधर आएगा, या तो वाई पहले आएगा एक्स बाद में आएगा, यही दो ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन जेड तो बीच में ही आना है, आया समझ में, अगर डिस्टेंसेस ऐसे इक्वल आता है, दो डिस्टेंस ऐड करके तीसरा डिस्टेंस आ रहा है, मतलब कोलिनियर है, वो उससे पता चलता है, एंड इसमें जो कॉमन पॉइंट है वो बीच में होता है हमेशा, ओके वीडियो पॉज करके देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपको नहीं आ रहा है ऐसे तो देखो मिस्टेक कहां पे किया है आपने। चलो नेक्स्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन दिया है डिस्टेंस ऑफ आर एस इज 8, डिस्टेंस ऑफ एस टी इज 6, डिस्टेंस ऑफ आर टी इज 4, तीन पॉइंट ये आर एस टी, ठीक है, तो मैंने गिवन में सेम डेटा कॉपी कर लिया, अब दो छोटे डिस्टेंसेस कौन से हैं, देखो हमेशा हम लोग दो छोटे डिस्टेंसेस पहले ऐड करते थे, 6 एंड 4 है, दोनों को ऐड करो, डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी, क्या आ रहा है डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ये हो गया अपना पॉइंट 1, बचा हुआ डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस आर एस वो 8 दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8,
ठीक है, ये हो गया अपना पॉइंट। तो ये 10 है, ये 8 है, तो ये एडिशन इसको इक्वल है क्या? नहीं है, ये यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है। तो अपन लिखेंगे योर डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी, दोनों को ऐड करेंगे तो इट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर एस। ये दोनों को ऐड किया तो इट इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब दो छोटे डिस्टेंस को ऐड किया तो इट इज नॉट इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस जो सबसे बड़ा है। अगर नॉट इक्वल टू तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आर एस टी तीनों कोलिनियर ही नहीं है। ठीक है, इसमें लिखा देखो, इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट्स, तो अगर ये सम, ये दोनों छोटे डिस्टेंस का सम तीसरा डिस्टेंस नहीं आता तो ये कोलिनियर ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर पॉइंट्स आर एस एंड टी आर नॉट कोलिनियर। ये फ्रॉम वन एंड टू लिखना मैं भूल गया था, 1 एंड 2 से पता चला ना कि ये 10 है, ये 8 है, मतलब नॉट इक्वल है, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हो गया सेकंड वाला, तो बाकी सबसे भी इजी था ना। बाकी सारे क्वेश्चन में हमने दो छोटे डिस्टेंसेस को ऐड करके एक बड़ा डिस्टेंस आता था। एक बार देख लो फिर से, यहाँ पे देखो दो छोटे डिस्टेंस 7 एंड 3 को ऐड किया तो हम लोग को 10 मिल रहा था। दो छोटे डिस्टेंस को ऐड किया और बड़ा डिस्टेंस मिलता था। देखो यहाँ पे पी आर और क्यू आर, पी आर एंड क्यू आर दो छोटे को ऐड करके बड़ा मिल रहा है तो कोलिनियर, अगर बड़ा नहीं मिल रहा नॉट इक्वल है तो नॉट कोलिनियर। और अगर कोलिनियर नहीं है तो ये सब लिखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, लाइन में ही है ना बोलो। तो यहाँ पे ये वाले केस में कोलिनियर नहीं है, इसलिए हम लोग को लिखना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट बीच में है कौन सा नहीं है। ओके, वीडियो पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करो खुद के नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स एल एन एम इज 11, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एम एन एल इज 12 एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एल एन एल इज 8। दो छोटे पॉइंट्स कौन से हैं, 11 एंड 8 है ना, दोनों को ऐड करो, 11 प्लस 8 आपको मिलेगा 19 और इधर तो 12 ही है, मतलब दोनों का डिस्टेंस ऐड करके बड़ा वाला डिस्टेंस नहीं आ रहा, मतलब ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, खुद के नोटबुक में लिखो कैसे लिखेंगे ये। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया ना आपको, फिर मैंने जो सोल्यूशन दिया उससे कंपेयर करना, गिवन वगैरह सब लिखना है जैसे आप एग्जाम में लिखते हैं। ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन, पहले गिवन लिखा जो दिया था डेटा वो यहाँ पे कॉपी कर लिया, फिर दो छोटे नंबर 11, 12 और 8 में छोटे कौन से हैं, 8 एंड 11, तो दोनों को ऐड किया, डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल, ऐड करके मिला 11 प्लस 8 19, बड़ा डिस्टेंस जो बचा है वो 12, डिस्टेंस एम एन 12। फ्रॉम 1 एंड 2 ये 19 है, ये 12 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एम एन, अगर नॉट इक्वल है तो नॉट कोलिनियर। खेल खत्म, आया ऐसे ही आपको सेम टू सेम, वीडियो पॉज कर लो कंफर्म कर लो। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस बिटवीन डी ई इज 5, ई एफ इज 8 एंड डी एफ इज 6, दो छोटे नंबर है 5 और 6, ऐड करो क्या आता है, 5 प्लस 6 11, 8 नहीं आ रहा ना, मतलब ये भी कोलिनियर नहीं है। ये आपको होमवर्क है, खुद से सॉल्व करना है, सिर्फ आपको लिखना कैसे वो बताना है, आंसर तो मैंने बता दिया कि कोलिनियर नहीं है। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने ये टाइप के कर लिए, ये तीसरा वाला क्वेश्चन होमवर्क करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा आपको। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें 8 क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए, एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 3 के भी 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 में टोटल 7 क्वेश्चन है, हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ जाए और उनको ज्योमेट्री का जो डर है वो बिल्कुल न लगे। अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने ऐसे ही स्टैंडर्ड 9th के सारे लेक्चर एल्जेब्रा ज्योमेट्री के सारे प्रैक्टिस सेट डिटेल में सॉल्व किए और हम रेगुलरली सॉल्व करके अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, आपका कोई फीडबैक है, आपको कौन से चैप्टर्स चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स देखकर ही मैं डिसाइड करता हूँ कि आगे क्या करना है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.